हाल ही में हुई बारिश के चलते मसालों की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। चाहे वायदा हो या फिर हाजिर बाजार, दोनों ही बाजारों में हल्दी की कीमतों में तेजी बनी है। दक्षिण भारत में जो बारिश हुई है उसकी वजह से हल्दी की क्वालिटी में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है, जिससे हल्दी की कीमतों में कुछ सपोर्ट बन सकता है। ओमिक्रॉन के भारत में आने की खबरों के चलते भी एक्सपोर्ट में थोड़ी कमी जरूर देखने को मिली है। वहीं बात करें अगर वायदा बाजारों की, तो NCDEX पर हल्दी में पिछले कारोबारी सप्ताह मुनाफा वसूली देखने को मिल चुकी है। वहीं बाजार के जानकार मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा के मुताबिक हल्दी की कीमतों में आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है। उनके मुताबिक लगभग दो हफ्तों में वायदा बाजार में हल्दी की कीमतें ऊपर में 7,850 तक जाती नजर आ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप, बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।